आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर बुधवार को अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर के हिंदू शिव आश्रम में लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी फरियाद, निस्तारण के दिए आदेश। दो दिवसीय दौरे पर बुधवार को अपने गृह जनपद पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर में भ्रमण के दौरान अपने पालतू ब्लैक लैब्राडोर कुत्ता गुल्लू को दुलारा। रोमांच से भरपूर रहा मुख्यमंत्री का गुल्लू से प्यार भरा पल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को भटट ब्लॉक के पिपरी में बनने वाले प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण स्थल का किया निरीक्षण। कहा, शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों को रखे बेहतर, न होने पाए कोई चूक। यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को किया अन्न उत्सव का वर्चुअल शुभारंभ। अयोध्या से जुड़े रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जनपद में एडीजी डीएम सीडीओ ने पात्र लाभार्थियों को किया राशन का वितरण। डीएम ने कहा, शासन के निर्देश पर कार्ड धारकों को दिया जा रहा है निःशुल्क राशन। 6 अगस्त को जनपद के सभी विकास खंडों में पात्र एवं वंचित व्यक्तियों के लिए वृद्धावस्था, निराश्रित महिला पेंशन, विधवा पेंशन योजना के तहत आयोजित होगा कैंप। सीडीओ ने कहा, पात्र व्यक्ति शिविर में जाकर उठा सकते हैं योजना का लाभ। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना की बैठक। कहा, सीडीपीओ एवं सुपरवाइजर एक माह में कम से कम 20 गांवों का भ्रमण करते हुए गांव में खुली बैठक आयोजित करके ग्रामवासियों को कुपोषण से बचाव के लिए करें जागरूक। अन्न महोत्सव कार्यक्रम के तहत महापौर द्वारा निजामपुर में पात्र लाभार्थियों को बैग में किया गया राशन का वितरण। महापौर ने कहा, विश्व की सबसे बड़ी खाद्यान्न वितरण योजना है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रदेश में कोई भूखा ना रहे, यही है सरकार का प्रयास। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी के जनपद में प्रथम आगमन पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। कहा, अब की बार 350 बार युवाओं के बल पर दोबारा 2022 में प्रदेश में बनेगी भाजपा सरकार। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और छोटे लोहिया के रूप में मशहूर स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की जयंती पर सपाइयों ने निकाली साइकिल रैली। उनके पद चिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। सीएम योगी के निर्देश पर हिंदू युवा वाहिनी एक निजी संस्थान के साथ जनपद में पेयजल की गुणवत्ता की कर रही है जांच। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पीके मल ने कहा, अशुद्ध जल से बच्चों को जल जनित रोग और बड़े बुजुर्गों को गंभीर बीमारी फैलने की रहती है आशंका। गुरुवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 77 केंद्रों पर 19,592 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। प्रथम डोज लेने वालों में 16,590 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 3,002 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को किया मुफ्त राशन का वितरण। प्रधानमंत्री मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी को योजना के लिए व्यक्त किया आभार। गोरखपुर में गुरुवार को मिला एक नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,373। अब तक 848 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 19 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। ऑपरेशन 15 के तहत बांसगांव पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। एक अवैध देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के उद्देश्य शासन के द्वारा रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाए गए कोरोना नाइट कर्फ्यू का गुरुवार को भी दिखा मिला जुला असर। एडीएम फाइनेंस ने कहा, कोरोना गाइडलाइन का करें पालन, रहें सुरक्षित। और टोक्यो ओलंपिक में 41 साल बाद हॉकी टीम की जीत पर झूमे जिले के हॉकी खिलाड़ी। मनाया जश्न, एक दूसरे को खिलाई मिठाई। भारतीय टीम को दी शुभकामनाएं।